गुजराते मॉडल में नहीं, बिल्किस के साथ बलात्कार हुआ था, उसके प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को महिला के सम्मान की, नारी के सम्मान की बात करते हैं, और उनकी राज्य सरकार उसी समय 11 रेपिस्ट मर्डरर को जेल से रिहा करने का काम करती है। देश के अंदर में लाखों दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, गरीब जेलों में बंद है, सरकार वही कर रही है। धर्म देख करके, जाति देख करके, आदिवासी है वो नक्सली होगा, मुसलमान है उसमें पसमांदा मुसलमान है तो निश्चित रूप से टेररिस्ट होगा। सिविल सोसाइटी का आदमी कोई बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, कानून की बात करेगा, अर्बन नक्सल होगा, उसको जेल में बंद किया जाएगा। यहाँ जो इस तरह का जो मारकाट मचाते हैं इन तबकों के साथ, उनको मंत्री बनाया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, पार्टी में ऊंचे पद दिया जाता है। हमारा समाज उस समय से 46 से लड़ता आया है, सावरकर के हिंदू राष्ट्र के खिलाफ और जिन्ना के पाकिस्तान बनाने के दो कौमी नजरिए के खिलाफ। हम लोग तो उस नस्ल के हैं जो हिंदू सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं और मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ। अच्छा, ये जादूकार, दलाल, पतलचट और माल प्रेमी लोग थे, बैंक और बिकने वाले हैं, बंदरगाह बिक गया, कभी बंदरगाह निजी हाथों में नहीं जाता था, डिफेंस कभी निजी हाथों को नहीं जाता था, पेट्रोलियम कंपनी, नवरत्ना कंपनी, देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। आज हमारे साथ अली अनवर अंसारी जी हैं। हम लखनऊ प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं जहां बिल्किस बानो जी के साथ जो कुछ हुआ और अब जो हो रहा है उसके लिए न्याय मांग रहे हैं और उसके लिए एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपने क्या किया और क्या आपने मांग रखी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। देखिए, पहली बात तो ये ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई की बैठक थी जी। इसमें हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया, उसमें इस घटना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने ये अपेक्षा की है, मांग की है कि आप इसमें न्याय दिलवाइए और जल्दी न्याय दिलवाइए। और वो उस न्याय का मामला यही है कि फिर से इन आदमखोरों को, नर पिशाचों को जेल में बंद कीजिए। सरकार से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को महिला के सम्मान की, नारी के सम्मान की बात करते हैं, और उनकी राज्य सरकार उसी समय 11 रेपिस्ट मर्डरर को जेल से रिहा करने का काम करती है। प्रधानमंत्री जी पसमांदा के साथ स्नेह यात्रा निकालने की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि बिल्किस बानो से ज्यादा पसमांदा और कोई कौन हो सकता है, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसकी दूधमुहा बच्ची के साथ पत्थर से कूच कूच करके उसके सामने उसको मार दिया गया, जिसके बचाव में उस महिला के या उसकी बच्ची के बचाव में उस परिवार के जो 11 लोग आए सबका खून हुआ, और वैसे लोगों को ये केस तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, फांसी की सजा होनी चाहिए, ये प्रूव हो चुका है सारे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट तक से, उनको आप रिहा कर रहे हैं, जबकि इस देश के अंदर में लाखों दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, गरीब जेलों में बंद हैं, उनको नाहक देशद्रोह का मामला लगा करके। और दूसरा चीज रोकना चाहूंगा, आपने जब दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बात की तो एक भाजपा नेता ने बयान दिया था कि ब्राह्मण है, संस्कारी थे इसलिए छोड़ दिए गए। आपने बिल्कुल सही कहा, जाति देख करके और धर्म देख करके अगर न्याय होगा, और ये सरकार वही कर रही है, धर्म देख करके, जाति देख करके, आदिवासी है वो आतंकवादी होगा, वो नक्सली होगा, मुसलमान है उसमें पसमांदा मुसलमान है तो निश्चित रूप से टेररिस्ट होगा। वो सिविल सोसाइटी का आदमी कोई बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, कानून की बात करेगा, अर्बन नक्सल होगा, उसको जेल में बंद किया जाएगा, जेल में सड़ा करके मारा जाएगा।
तो हम ये बिल्किस बानो की ही लड़ाई नहीं है, हम लोग जब आप हाथरस में एक दलित महिला को जिंदा जलाया गया और उसको माँ बाप को नहीं, लाश तक नहीं दिया गया, जबरदस्ती जिला प्रशासन पुलिस ने किया, तो उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था, तो हम लोग विरोध करते रहते हैं। मेरा एक सवाल और है कि क्या यही गुजरात मॉडल था? अभी आपने कहा मोदी जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि देश में महिलाओं का सम्मान किया जाए, समानता की बात करते हैं, वो जब सत्ता में आए थे 2014 में तो उन्होंने एक और नारा दिया था, गुजरात मॉडल लेके देश में आए थे, यही गुजरात मॉडल? हाँ एग्जैक्टली, गुजराते मॉडल में नहीं, बिल्किस के साथ बलात्कार हुआ था उसके परिवार का, वही तो मॉडल का ग्लेयरिंग इस पर गुस्सा इसीलिए है कि उन्हीं के राज में हुआ था और उन्होंने ही बचाया, और ना सिर्फ छोड़ा, उसके साथ जश्न मनाया भाजपा के लोगों ने, उसको माला पहनाया, मिठाइयां बांटी, उनको सम्मानित किया गया, कल को गए उनको और सम्मान मिलेगा। उनके यहाँ जो इस तरह का सिलेंडरस बयान देते हैं, जो मारकाट मचाते हैं इन तबकों के साथ, उनको मंत्री बनाया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, पार्टी में ऊंचे पद दिए जाते हैं, ये क्या हो रहा है? तो ये सिर्फ ये नहीं कि कमजोर लोगों के साथ, दलित पिछड़े आदिवासी गिरिजन बहुजन के साथ अत्याचार जुल्म हो रहा है, बल्कि ये मैसेज दुनिया में जा रहा है और इसका बहुत खतरनाक मैसेज जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने पसमांदा जो चलाया भाई साहब, पसमांदा उर्दू का शब्द भले हो लेकिन पसमांदा हिंदू भी पसमांदा हो सकता है, दलित भी, आदिवासी भी, सिख भी, ईसाई भी, ये रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल ये शब्द है। पसमांदा नाम की कोई जाति नहीं है, पसमांदा नाम का कोई धर्म नहीं है, ये मानव धर्म है। हाँ मानव धर्म है, सबका पसमांदा है। अब देखिए मोदी जी सब चीज को इस पसमांदा को लेकर के भेष बदल करके इसमें घुसपैठ करने का, तो अब तो पकड़ लिया है हम लोगों ने, घुसपैठ करने देंगे? हमारा समाज उस समय से 46 से लड़ता आया है, सावरकर के हिंदू राष्ट्र के खिलाफ और जिन्ना के पाकिस्तान बनाने के दो कौमी नजरिए के खिलाफ। उस समय पसमांदा नाम नहीं था, पसमांदा तो हमने चलाया, उस समय मोमिन कॉन्फ्रेंस था, उस समय कयूम अंसारी थे, उस समय अतिकुर रहमान मंसूरी थे, उस समय मियां अब्दुल मालिक दानापुरी रायनी थे, ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार, खास करके बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से तमाम लोग 40,000 की संख्या में 1940 में इंडिया गेट पर आए थे कि मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पर मत करो। तो हम लोग तो उस नस्ल के हैं जो हिंदू सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं और मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ। अच्छा, ये बंटवारे से मुझे याद आया, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप राजनीतिक जीवन में आने से पहले पत्रकार रह चुके हैं 25-30 साल में। तो बस ये अगला सवाल मेरा बंटवारे से है कि आज के वक्त में, माफी चाहूंगा अगर कोई यहाँ उपस्थित है तो बहुत सारे मीडियाकर्मी आए थे और उनका दोष नहीं है, लेकिन जो लोग स्टूडियोज में बैठ के बांट रहे हैं ना, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? एक पत्रकार के तौर पर अपनी राय रखिएगा। हाँ। क्या आज के वक्त में मीडिया का जो तौर तरीका है ट्रीट करने का मुद्दों को, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हमको शर्म आती है कि भाई कैसी पत्रकारिता, मैं इस पर एक किताब लिख रहा हूँ, अरे वाह, करीब करीब पूरा हो चली है कि हम किस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे और हमारे समय में किस तरह की पत्रकारिता हो रही थी। फर्क इतना ही कि उस समय भी चाटुकार, दलाल, पतलचट और माल प्रेमी लोग थे, लेकिन उनकी तादाद कम थी, पूरी सरकार, पूरा संस्थान ऐसा नहीं हो जाता था। तो आज तो एक NDTV टिमटिमाता हुआ दिया था, उसको भी ये हथियार लेना चाहते हैं कि आप लोग कर रहे हैं, आप लोग झुकने वाले नहीं हैं। जनमत के लोग, पटेल जी हमारे साथी हैं, जब JNU में हम जाते थे वहाँ के लड़के, तो पटेल जी माने नीरज पटेल जी, तो आप लोग भी लड़ रहे हैं। और आप ये जान लीजिए भाई साहब, आज आप लोग छोटे मोटे पोर्टल चला रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिन के लिए आप ही लोग मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, और वो जो आज मेन स्ट्रीम है वो लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने इतिहास में उन लोगों का नाम नहीं लगेगा जिस पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं और पार्टी बन गए हैं। मैं तो उन लोगों के साथ बैठता भी नहीं डिबेट वगैरह में,
ये खैर ये एक अच्छा फैसला हो सकता है या बुरा, मैं उस पर कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो बिल्किस बानो जी का बलात्कार करने वाले आरोपियों के जेल से बाहर आने के बाद खुशियां मना रहे हैं, और उसमें सिर्फ वही शामिल नहीं है जिन्होंने माला पहनाई, जिन्होंने उस वक्त वीडियो बनवाया, उसके अलावा इस देश में एक बड़ी संख्या है जो उस पर खुशियां मना रही है, लड्डू बांट रही है, और नहीं लड्डू बांट पा रही है तो मन में तो लड्डू फूट रहा है, उनके लिए एक आखिरी संदेश, बस हम वीडियो खत्म। नहीं देखिए, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हमारा मानना है, अंग्रेजी में कहावत है कि वन कैन चीट सम फॉर ऑल टाइम, ऑल फॉर सम टाइम, बट वन कैन नॉट चीट ऑल फॉर ऑल टाइम। कुछ अंधभक्त लोग होंगे जो इस तरह के तानाशाहों की हमेशा तरफदारी करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों का आँख पर जो पर्दा चढ़ा है, वो देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और पूरे देश को बेचा जा रहा है। ब्रिटिशर्स ने भी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस तरह से देश को नहीं बेचा था, अंग्रेजों ने भी नहीं बेचा था, नहीं लूटा था जिस तरह से ये सरकार लूट रही है। तो ये आर्थिक स्थितियाँ ये मजबूर करेगी, ये आँख का जिन लोगों को पर्दा चढ़ा है, उन लोगों का पर्दा जब रोटी नहीं मिलेगी, श्रीलंका की जब हालत होगी इस देश की, खुदा न करे ऐसी हालत हो, सिर्फ बड़ा देश है बेच बेच कर, अभी बैंक सितंबर महीने में कई बैंक और बिकने वाले हैं, बंदरगाह बिक गया, कभी बंदरगाह निजी हाथों में नहीं जाता था, डिफेंस कभी निजी हाथों को नहीं जाता था, रेल, पेट्रोलियम कंपनी, नवरत्ना कंपनी, मैं पार्लियामेंट का मेंबर 12 साल रहा हूं, उन तमाम चीजों को ये बेच रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, ये देश की जनता, लेकिन अफसोस यही है कि तब तक हालत बहुत खराब हो गई रहेगी, और जो सियासी पार्टियां हैं इन लोगों को अपना ईगो छोड़ करके, अपना पार्टी का हित छोड़ करके, देश के हित में सब लोगों को एक हो करके, और इस भयानक संकट श्रीलंका की स्थिति देश की नहीं हो, क्योंकि अब श्रीलंका को संभाल में नहीं आ रहा है, वो चला गया, भाग गया राजा, लेकिन वो संभाल में नहीं आ रहा है, कहीं वैसी स्थिति मत इस देश की हो जाए, उसके पहले तमाम पार्टियों के लोगों को भी सोचना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग तो ए पॉलिटिकल हैं, किसी पार्टी में हम लोग नहीं। देखने वाली बात होगी कि क्या होगा बिल्किस बानो केस में। बने रहिए निश्चल जनमत के साथ। धन्यवाद।